जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु चोल साम्राज्य के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने डे 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वन डे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द ऑफर का लाभ लीजिए। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ा था। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे राजेंद्र प्रथम से संबंधित कुछ अभिलेख। तो यहाँ पर दिया तिरुवालगांडू अभिलेख, है ना, ये 1017 ईस्वी में प्राप्त होता है। राजेंद्र की दक्षिण पूर्व एशिया विजय का उल्लेख इसमें हुआ है, तो बस इतना याद रखिएगा तिरुवालगांडू अभिलेख। यहाँ में इसमें क्या हुआ है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में इनका अभियान होता है, इसका वर्णन किया गया। कैरेंदे ताम्रपत्र, इसमें राजेंद्र प्रथम की सिंगल विजय का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त लिया है किलूर अभिलेख तथा सोम्बियन महादेवी अभिलेख, इसी समय के हैं। मतलब ये जो तिरुवालगांडू अभिलेख है ना, कैरेंदे ताम्रपत्र है, किलूर अभिलेख या सोम्बियन अभिलेख है, इसका संबंध मूल रूप से राजेंद्र प्रथम से है। अब यहाँ पर आगे दिया राजेंद्र प्रथम की अन्य उपलब्धियां, इनके पास और कौन कौन से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो राजेंद्र ने सिंचाई के लिए 16 मील, 16 मील का मतलब है 40 किमी लंबा तालाब खुदवाया। चोल गंगा तालाब एवं नहर निर्माण की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। कई प्रकार के सोने, चांदी एवं तांबे की मुद्राएं प्रवर्तित की, इस पर उसकी प्रिय उपाधि गंगे कुंड चोल अंकित मिली है। मतलब यहाँ से एक बिंदु ये भी प्रमाणित हो रहा है कि राजेंद्र प्रथम की उपाधि है गंगे कुंड चोल। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना करवाया और पंडित चोल कहलाया। वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए इसने स्कूल बनवाए थे और इसी कारण इनको पंडित चोल की संज्ञा दी जाती है। 1033 ईस्वी में राजेंद्र ने चीन में दूत मंडल भेजा था। कंबोडिया के खमेर राजा के साथ राजेंद्र प्रथम की मित्रता स्थापित की। करंदे ताम्रपत्र के अनुसार कंबोज के राजा ने अपनी राजलक्ष्मी की रक्षा हेतु रथ भेजकर राजेंद्र प्रथम से मित्रता की याचना की थी। तो कैरेंदे ताम्रपत्र आपने पीछे इसके बारे में समझा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर है राजाधिराज प्रथम। देखिए, राजाधिराज प्रथम ये उत्तराधिकारी होते किसके, राजेंद्र प्रथम के। इनकी कुछ उपाधियां भूपेंद्र चोल, विजय राजेंद्र, वीर राजेंद्र वर्मा, आहवम मलुंग कुलांतक, कल्याण पुरमंडलम सोल, है ना, इसके बाद अश्वमेघ याजिन। तो ये अलग अलग प्रकार की इनकी उपाधियां हैं, कई नाम दिए गए, इन नाम को आप ध्यान से समझिएगा, पेपर में बन सकता है। अब राजाधिराज की मृत्यु कुप्पम के युद्ध क्षेत्र में हुई थी। बस सीधी सी बात, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, कुप्पम युद्ध क्षेत्र में हुई है। इसने कल्याणी के चालुक्यों को लूटा और वहां अपना वीराभिषेक किया। उसने कल्याणी मतलब कल्याणपुरम में ही विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। देखिए, यहाँ पे जो इनकी उपाधि है विजय राजेंद्र, ये कहाँ इन्होंने धारण किया, ये कल्याणपुरम में धारण किया है। राजाधिराज प्रथम ने कल्याण में एक द्वारपाल की मूर्ति उठा लाया। आगे दिया श्रीलंका के विरुद्ध भी उसे सफलता प्राप्त हुई थी। राजाधिराज प्रथम ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसने युवराज का पत्र पुत्रों को न देकर के अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया। देखिए, अभी पीछे जो प्रथा चली आ रही थी कि युवराज का पत्र पद जो था अपने पुत्रों को दिया जाता था, लेकिन राजाधिराज प्रथम ने क्या किया कि युवराज का पद अपने पुत्रों को न देकर के अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया। मतलब आगे जो राजा बनेंगे वो राजेंद्र द्वितीय बनेंगे। राजेंद्र द्वितीय, इनका शासन काल होता है 1052 से 1064 तक। इनके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। कुयम युद्ध क्षेत्र में राजेंद्र द्वितीय ने अपना वीराभिषेक और राज्याभिषेक किया और शासक बना।
उसने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसी समय 1055 में चोल देश में एक अकाल पड़ा था। तो यहां से महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजेंद्र द्वितीय इसने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी और इसी के समय में 1055 में चोल देश में एक भारी अकाल भी पड़ता है। देखिए दोस्तों, इतिहास एक बहुत ही विस्तृत विषय हो जाएगा। इसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो राजेंद्र द्वितीय के बारे में बस इतना याद रखना है कि इसने देखिए प्रकेसरी की उपाधि धारण की और इसी के शासनकाल में क्या होता है, एक अकाल पड़ता है। अब यहाँ पर दिया वीर राजेंद्र प्रथम 1064 से 1070 छः वर्ष का शासन होता है। वीर राजेंद्र अपने एक अभिलेख में कहता है कि उसने 1068 में कडारम को आग से जला डाला और शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई थी। देखिए वीर राजेंद्र प्रथम के बारे में बताया गया कि उसने कडारम है ना को आग से जला दिया और शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई थी। वीर राजेंद्र का पश्चिमी मतलब कल्याणी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम से भी युद्ध हुआ है। उसने 1066 में दूसरे कुंडल संगम युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया। सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। मतलब सोमेश्वर जो यहाँ पे पराजित हो जाता है, ये तुंगभद्रा नदी में डूब करके हत्या कर लेता है। उसने तुंगभद्रा नदी के तट पर अपना एक विजय स्तंभ तथा रायचूर के करडिल ग्राम में एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। वीर राजेंद्र ने सिंघल नरेश विजय बाहु को भी पराजित किया है। आगे दिया यहाँ पे 1067 ईस्वी में एक लेख से ज्ञात होता है कि वीर राजेंद्र ने तिरुमुकुडल में एक वैदिक अध्ययन केंद्र स्थापित किया था। इसका संबंध एक छात्रावास एवं चिकित्सालय से भी था। उसके 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को भूमिदान भी दिया था। आगे दिया चिदंबरम के नटराज के मुकुट के लिए एक बहुमूल्य मणि भेंट की थी। बुद्ध मित्र ने वीर शोलियम में वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बताया। तो इसी महान तमिल विद्वान है, ये भी याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और भी आगे दिया, यहाँ पे देखिए कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 इनका शासन लंबा होता है। इनका मूल नाम होता है राजेंद्र, है ना, ये उपाधि होती है कुलोत्तुंग प्रथम। चीनी नाम ती हुआ किया ली देवकल या देवकुलो। देखिए इनको चीनी नाम में ती हुआ किया ली या फिर देवकल या फिर देवकुलो नाम से जाना जाता था। वीर राजेंद्र के पश्चात उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना। वह विजयालय वंश का अंतिम शासक था। तो विजयालय वंश का अंतिम शासक कौन होता है, राजेंद्र। यहाँ पे आपने पीछे पढ़ रखा है ना, अधिराजेंद्र यही विजयालय वंश का अंतिम शासक होता है। इसके स्थान पर चोल चालुक्य वंश चोल भाग्य के भाग्य विधाता बन गए। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स और दिए। एक वर्ष बाद ही राजेंद्र ने उसका वध कर कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल शासक बन गया। कुलोत्तुंग का शासन 9 जून 1070 से प्रारंभ होता है और कुलोत्तुंग वेंगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। अब यहाँ पर चोल प्रशासन की बात की जा रही है कि चोल के समय में प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार चलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया चोल प्रशासन के अध्ययन का मुख्य स्रोत जो है चोलकालीन अभिलेख है। चोल अभिलेखों में राजा के लिए को पेरुमल या पेरुमन आदिगल मतलब महान का प्रयोग किया जाता था। चोल प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट होता था जो कि प्रशासन के केंद्र बिंदु हुआ करते थे। राजाधिराज प्रथम ने अपना अभिषेक चालुक्यों के कल्याणपुरा में तथा राजेंद्र द्वितीय ने कुप्पम युद्ध में किया था। ये तो हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख पद हुए थे चोल प्रशासन में। सबसे पहला दिया युवराज। चोल प्रशासनिक ढांचे में राजा के बाद सबसे प्रमुख स्थान युवराज का होता था। चोल इतिहास में एक बद्ध मूल परंपरा बन गई थी कि सम्राट अपनी मृत्यु से पूर्व ही युवराज की नियुक्ति कर देता था। जैसे राजराज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को, राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को युवराज नियुक्त किया था। महत्वपूर्ण है कि इस पद की नियुक्ति का आधार योग्यता एवं उपयुक्तता थी, न कि ज्येष्ठता। मतलब जो युवराज बनते थे, जो योग्य होते थे, उन्हें बनाया जाता था, ये नहीं देखा जाता था कौन ज्येष्ठ है। आगे दिया जा रहा है स्वयं कनिष्ठ राजाधिराज की इस पद पर नियुक्ति से इस मत की पुष्टि होती है। राजाधिराज प्रथम ने युवराज का पद पुत्रों को न देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया था। देखिए ये योग्यता के आधार पर दिया जाता था, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, क्योंकि राजाधिराज प्रथम ये युवराज का पद अपने पुत्रों को नहीं देता है बल्कि अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को देता है। इसके बाद नौकरशाही, ये भी एक प्रमुख पद हुआ करता था। यहाँ पर दिया बर्टन स्टाइन ने चोल साम्राज्य में विकसित अधिकारी तंत्र के अस्तित्व को नकार दिया था, क्यों, जो कि सत्य नहीं है। देखिए बर्टन स्टाइन इसने बोला था वहाँ पे अधिकारी तंत्र नहीं है, जबकि सच में अधिकारी तंत्र है। प्रशासनिक अधिकारियों को अराइयन उपाधि से संबोधित किया जाता था। चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जीवित मतलब भूमिखंड दिया जाता था। चोल प्रशासन में केंद्रीय पदाधिकारियों की कई श्रेणियां थी जो कि निम्नलिखित। देखिए चोल प्रशासन में अधिकारियों को नगद वेतन नहीं मिलता था, उसके स्थान पर उन्हें भूमि का टुकड़ा मिलता था जिनमें वो अपना जीवन यापन किया करते थे। अब कुछ प्रमुख अधिकारी यहाँ पे दिया गया, जैसे पेरुनंदम, है ना, पेरुनंदम कौन हुआ करते थे, यह सबसे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारी होते थे।
सिरुदनम है ना, सिरुदनम ये सबसे नीचे के कर्मचारी हुआ करते थे। उडनकुटम इनका सामान्य अर्थ सदा प्रस्तुत समूह है। यह राजा का निजी सहायक था जो कि सदा राजा के समीप रहा करता था। ओले और ओले नायगम, ओले नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था जिसकी जांच ओले नायगम करता था। श्रीमुख स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश तक पहुंचाता था। विलम राजमहल के सेवक हुआ करते। देखिए अलग अलग पद है, जैसे पेरू नंदम है ना, सिरुदनम, उड़नकूटम, ओले और ओले नायगम, इसके बाद श्रीमुख और विलम, ये अलग अलग पद है, सबका अलग अलग रोल होता था। पेरुनंदम सबसे बड़े कर्मचारी होते थे, सिरुदनम सबसे छोटे कर्मचारी होते थे, उड़नकूटम ये राजा के साथ हमेशा रहता था है ना, ओले ये मतलब राजा के जो भी तर्क वितर्क हुआ करते थे इनका कच्चा चिट्ठा तैयार करता था, इसकी जांच करते थे ओले नायगम। श्रीमुख ये स्थानीय संस्थाओं को दिए गए आदेश मतलब जो आदेश होते थे राजा को वो पहुंचाता था। विलम राजमहल के सेवक हुआ करते थे। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया स्थानीय प्रशासन, किस समय में स्थानीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन कैसे चला करता था, तो प्रांतीय प्रशासन में दिया प्रशासनिक इकाइयां। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 या 9 मंडलम मतलब प्रांतों में विभाजित था। मंडलम का विभाजन कमिश्नरियों के तुल्य कोट्टम या वालनाडु में हुआ था। राजराज प्रथम के काल में वालनाडु को पुनर्संगठित किया गया। कोट्टम का विभाजन नाडु मतलब जिला में हुआ था और नाडु चोल प्रशासन का बुनियादी इकाई था। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो इनकी प्रांतीय प्रशासन थी इसमें नाडु मतलब जिला, जिला के आधार पर प्रशासन हुआ करता था। फिर स्थानीय प्रशासन की बात किया जा रहा है, स्थानीय प्रशासन में क्या क्या प्रमुख है, जैसे ग्राम शासन। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी, चोल अभिलेखों को 3 प्रकार से ग्राम सभाओं में उर सभा और नगरम का उल्लेख मिलता है। नगरम क्या था, ये व्यापारिक नगरों तक सीमित था। इनका संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता जैसे वलंजियर मतलब वड़ज, अड़ुवन्नम है ना, और मणिग्रामम इत्यादि। इन वड़म व्यापारियों की बस्ती वीरपत्तन कहलाती थी। वीरपत्तन क्या है, मतलब जो व्यापारिक बस्ती होती थी उसे कहा जाता था। चोलों के प्रशासनिक मॉडल में ग्राम प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता प्रदान प्राप्त थी। यह काल स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल हुआ करता था। इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी थी। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य किया करती थी, उर और फिर सभा। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बताएगी, उर यह सामान्य लोगों की संस्था थी है ना, आलूगढ़म उर की कार्य समिति हुआ करती थी। सभा या महासभा यह अग्रहार मतलब ब्राह्मण को प्रदत्त भूमि है ना ग्रामों में होती थी, ऐसे ब्रह्मदेय या मंगलम भी कहलाते थे। इनमें महासभा का सभा चोलकालीन अभिलेख से विस्तृत हुआ है। अब कुछ यहाँ पे दिया जैसे पेरुंगुरी है ना, इसको सभा कहा जाता था है ना, सभा को कहा जाता था। पेरुमक्कल यह सभा के सदस्यों को कहते थे। वरियम यह सभा की समिति थी जिसके सदस्य वरियम रुमक्कल कहलाते थे। आगे यहाँ पर दिया महाजन, महाजन की बात करेंगे तो ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार होती थी। वारियार सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति वारियार कहलाता था। सभा अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती थी। ग्राम 30 वार्ड में बटा था, प्रत्येक वार्ड में प्रतिनिधित्व मतलब कुल 30 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की बात रही। अब यहाँ पर कुछ चीजें दी, समिति के सदस्यों की योग्यता निम्नलिखित थी। तो इस समिति की सदस्यों की योग्यता कैसी थी, उनका चयन कैसे होता था, कार्यकाल क्या रहता था, कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, इन सब की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कौन सा प्रमुख टैक्स लिया जाता था, माप तोल कैसे होता था, और वन लाइनर फैक्ट। तो अगली क्लास में हम लोग चोल प्रशासन को पूरा संपन्न करेंगे और फिर इसके बाद राष्ट्रकूट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास रही, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हो और वहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।